उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर ने दुख जताया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन अत्यंत दुखद है। आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने और भारतीय राजनीति में अहम योगदान देने के लिए उन्हें जनता हमेशा याद रखेगी। सांसद होने के नाते पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर शोक व्यक्त करती हूँ। शोकाकुल परिवार, ईश्वर से उनके लिए सामर्थ्य मांगती हूँ कि वो इस दुख की घड़ी में अपने पिता के स्वर्गवास के होने के बाद शक्ति प्राप्त करें कि इतना बड़ा दुख वो सहन कर सकें। मुलायम सिंह जी ने अपने राजनीतिक जीवन में विशेषतः इमरजेंसी के वक्त संघर्ष किया था और वो संघर्ष आज भी कई लोगों को इस देश में याद है। मैं एक बार फिर उनकी स्मृति में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके जितने समर्थक हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। मुलायम सिंह यादव जी देश के एक बड़े नेता थे, तो जयप्रकाश जी से लेकर डॉक्टर लोहिया जी के विचारों को लेकर जन जन के बीच में गए, ना केवल लोकप्रिय थे बल्कि जनता से सीधा इतना जुड़े हुए कि पार्लियामेंट में सदन के अंदर भी उनकी इंटरवेंशन समय समय पर बहुत उपयोगी भी होती थी और एक वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी जितना समय वो संसद में बिताते थे वो हम सबके लिए भी एक बहुत लाभदायक होता था। उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिलता था और लोगों के बीच में भी जितना वो जुड़े रहते थे आम जनता के साथ वो भी बहुत अद्भुत था। तो एक ऐसे नेता जिन्होंने जमीनी स्तर से अपने बलबूते पर डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश जी के विचार को आगे बढ़ाते हुए काम किया है उसको देश सदा याद रखेगा। हम सबके बीच में रहे इसका हम सबको बहुत दुख भी है और भारत के लोकतंत्र को एक बड़ी क्षति भी है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम जिस तरह से वो आगे होकर लड़े भी भारतीय लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए भी, उसके लिए भी उनको याद रखा जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी जिन्होंने काम किया और देश में भी उसके लिए भी उनको सदा याद है।